हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरी यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक, जो गणेश जी को बहुत ही पसंद है। और ये मोदक हम बिना मोल्ड के, यानी कि बिना किसी सांचे से बनाने वाले हैं। और ये बहुत ही जल्दी, यानी कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मोदक हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब हम 3 से 4 बड़े चम्मच घी के ले लेंगे और घी के पिघलने पर हम 1 कप मैंने यहाँ सूजी ली है। मैंने यहाँ भुनी हुई सूजी ली है। अगर आपके पास भुनी हुई सूजी नहीं है तो आप 5 से 6 बड़े चम्मच घी लीजिए और उसको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर भून लीजिए। यहाँ मैंने भुनी हुई सूजी ली है तो इसलिए मैंने घी थोड़ा कम ही लिया है। चलिए इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। देखिए सूजी अच्छे से भुन गई है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको चला लिया है। अब मैं यहाँ 1 कप दूध लूँगी। ये बिल्कुल गर्म दूध लेना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर हम ठंडा दूध सूजी में डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको चलाते हुए मिक्स करना है, क्योंकि सूजी बहुत ही जल्दी सारे दूध को सोख लेगी। देखिए अगर यहाँ आपको चिपचिपा लगे तो 1 से 2 चम्मच आप घी के और डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1 कप चीनी ली है। आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं और इसमें थोड़ी चाशनी बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन चाशनी डालने से क्या होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल हलवे जैसा हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। चलिए चीनी भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैंने यहाँ 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। ये आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगा। चलिए इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे और अगर आपको ज़्यादा सूखा सूखा लगे तो 1 से 2 चम्मच आप इसमें घी डाल लीजिए। और मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें ज़्यादा इसको नहीं चलाना है, 1 से 2 मिनट में ही ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए सारा मिल्क पाउडर मैंने मिला लिया है और मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा मिक्सचर अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मोदक की फिलिंग बनानी है। चलिए इस प्लेट में मैं इसको रख लेती हूँ। अब मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ चीनी का पाउडर लिया है। आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ काजू बादाम का पाउडर लिया है, जिससे हमारी फिलिंग में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मोदक बहुत टेस्टी हो जाएंगे। 1 से 2 पिंच मैंने इलायची पाउडर और 2 पिंच ही मैंने यहाँ कलर लिया है। अगर आपको पसंद हो तो ही आप कलर ऐड कर दीजिए, वरना इसको स्किप कीजिए। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए फिलिंग हमारी बनकर तैयार है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम हथेली पर रखेंगे और इसकी छोटी छोटी ऐसे गोली बना लेंगे ऐसे। चलिए एक और मैं करके दिखाती हूँ। ऐसे ही हमें सारी गोली तैयार कर लेनी है। फिलिंग की गोलियां बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम जो हमारा मिक्सर है इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और मिक्स करके हम अच्छे से इसको हथेली पर घी लगाकर अच्छे से चिकना कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं बस इतना ही हमें पोर्शन लेना है। और उंगलियों से दबाते हुए हमने जो ऑरेंज कलर के जो फिलिंग बनाई है उसको इसके अंदर रख कर अच्छे से अंगूठे से दबाते हुए इसको बंद कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और हथेली से दबाते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से गोल कर लेना है ऐसे। और यहाँ हम मोदक बिना सांचे के बना रहे हैं, तो
तो इसको उंगलियों की सहायता से ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, और बिल्कुल इसको अच्छे से मोदक की शेप देंगे, जैसे मोदक होते हैं बिल्कुल ऐसे हमें शेप देनी है। अब यहाँ मैंने एक स्टिक ली है, आप चाकू की सहायता से या फिर चम्मच के पिछले हिस्से से आप इसमें लाइंस बना सकते हैं। जैसे हमारी मोल्ड में मोदक का जो मोल्ड होता है उसमें लाइंस होती हैं, ऐसे ही इसमें हमें लाइन बना लेनी है ऐसे बिल्कुल। ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। चलिए मैं चम्मच से भी करके दिखाती हूँ आपको ऐसे बिल्कुल। ये बहुत ही आसानी से हो जाएगी और बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाएंगे ऐसे, और हमें किसी भी मोल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से हम ऐसे ही प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए अगर आपको लगे इसकी शेप अच्छी नहीं है तो आप उंगली और अंगूठे से इसको दबाकर अच्छे से शेप दे सकते हैं। वाओ कितना अच्छा मोदक हमारा बनकर तैयार हुआ है। चलिए एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा पोर्शन हम हाथ में रखेंगे और इसको अच्छे से गोल बना लेंगे, और फिर उंगली की सहायता से हमें इसमें बीच में जगह बनाकर अपनी फिलिंग इसमें डाल देनी है और इसको अच्छे से अंगूठे से दबाते हुए इसको बंद कर देना है ऐसे बिल्कुल, और हथेलियों से गोल करके इसको अच्छे से मोदक की हम शेप देंगे ऐसे बिल्कुल। दबाते हुए इसको मोदक की शेप देंगे और एक स्टिक की सहायता से इस पर हम लाइंस बना लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है ऐसे बिल्कुल, ऐसे ही हमें मोदक बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखिए कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये हमने हाथों से बनाए हैं, बिल्कुल मोल्ड के जैसे हमें हमारे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। सारे मोदक बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। वाओ कितने सुंदर ये लग रहे हैं, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। यहाँ मैंने थोड़ा पिस्ते लिए हैं, पिस्ते से मैं इसको गार्निश कर दूंगी। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और इसको गार्निश कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा कलर लिया है और इस पर हम ऐसे करके थोड़ा टीका लगा देंगे ऐसे, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेंगे ऐसे बिल्कुल। ऐसे टीका लगाकर हमने सारे मोदक तैयार कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर हमारे मोदक लग रहे हैं देखिए, और इस इनको हमने सिर्फ 10 मिनट में ही बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए बहुत ही सुंदर हमारे मोदक लग रहे हैं। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।